दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ जेएसयू जवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी खुशखबरी जिसका सभी को इंतजार रहता है कि हर एक बंदा जब रिटायरमेंट होके घर आता है वो सोचता है उसे कहीं ना कहीं कोई जॉब मिले। और आपने देखा होगा जब बाहर भटकता है अंततः उसके पास डिसीजन होता है डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर, और उसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी, बहुत सारी बॉन्डिंग थी, अब वो पूरी खत्म कर दी है। चाहे आप सोल्जर जीडी हैं, चाहे आप जेएसयू हैं, चाहे आप क्लर्क एसडी हैं, चाहे आप क्लर्क के जेएसयू, आपके लिए पूरा मौका दे रही है इंडियन आर्मी। उन्होंने दो लेटर जारी किए, एक है 19 जनवरी 2023 का और एक है 10 जनवरी 2023 का। दोनों लेटर में आपके साइड में फ्लैश कर रहा हूं, साथ ही मैं आपके लिए ये कह रहा हूं कि एमओडी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का लेटर जिसमें कहा है क्लर्क एसडी इन डीएससी, यानी क्लर्क एसडी है जो डीएससी में बहुत सारी डिफिशिएंसी है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया है कि जो क्लर्क्स रिटायर होके आए अब वो गैप आपके लिए जो यानी डिस्चार्ज का गैप और ज्वाइनिंग का गैप 2 साल था अब वो 5 साल का कर दिया। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके संदर्भ में एक लेटर जारी किया था और उसकी मैंने आप वेरिफिकेशन किया, जाके कुन्नूर में किया, आरटी सेंटर नासिक में किया कि ये बिल्कुल सही है, आपको 5 साल। हाँ जी क्लर्क को नहीं। फिर मैं दूसरा लेटर बात करता हूं जो कि 10 जनवरी का निकला हुआ है, अमेंडमेंट रूल फॉर एनरोलमेंट इन डीएससी टू ऑल सर्विंग जेएसयू और ओआर। उन्होंने बोला है जेएसयू ओआर के लिए भी ये रूल मैंने चेंज कर दिया है, इसमें ये शर्त है कि आप जब रिटायर होते हो और दोबारा ज्वाइन करते हो 5 साल आपको दिए जाएंगे, और इसके साथ बाकी जो सर्विस क्राइटेरिया है, मेडिकल क्राइटेरिया है, डिसिप्लिन क्राइटेरिया है जेएसयू ओआर के लिए वो सेम है, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों इसके लिए आपके लिए मेरी तरफ से सलाह, अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर रिक्रूटमेंट होता है उनके संपर्क में रहें, उनके नंबर भी फ्लैश हैं, और बिल्कुल आप जैसे ही भर्ती शुरू होती, साल में 2 बार भर्ती होती, आप इसका फायदा उठाएं। कहीं आपको गार्ड बनने की जरूरत नहीं है, बाहर किसी के नीचे 1500 से 2000 बहुत शर्म की बात है। यदि आपने रिटायरमेंट के बाद 2 साल घर देख लिया है, समझ लिया बाहर की दुनिया को, आप जाइए फौज में और अपने फौज की पेंशन का लाभ और डीएससी की तनख्वाह का लाभ उठाइए। धन्यवाद।